दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों Redmi Note सीरीज ये जो है इसका वेट बहुत लोग करते रहते हैं, और जब ये स्मार्टफोन आता है तो बाकी सारे ब्रांड इसको कम्पीट करने के लिए अपने स्मार्टफोन्स लेकर आते हैं कुछ अच्छे फीचर्स के साथ। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो Redmi Note सीरीज ही रीजन है क्योंकि हमको बाकी सारे अच्छे स्मार्टफोन मिलते हैं अगर देखा जाए तो। और अगला स्मार्टफोन कौन सा है? Redmi Note 8 Pro। अब ये दोनों स्मार्टफोन कब आने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ चीजें लीक जो कलेक्ट हुई हैं सारी चीजें निकाल के मैं लेके आऊं, और कुछ चीजें जो मुझे लग रही हैं सब कंबाइन करके। बहुत ज्यादा हाइप करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे क्या इसमें आ सकता है और मेरे हिसाब से क्या चीजें होने वाली हैं और क्या चीजें आ चुकी हैं मार्केट में, उन्हीं को कंबाइन करके देखेंगे। और कब ये लॉन्च होने वाला है क्योंकि आज Redmi ने कुछ रिवील भी किया है लॉन्च डेट से रिलेटेड। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्मार्टफोन पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग बहुत वेट करते हैं। मैंने Redmi Note 5 Pro लिया था, तब से देख रहा हूँ। Redmi Note 6 Pro तो उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन Redmi Note 7 Pro सच में धमाल मचा उसने। कुछ Redmi Note सीरीज जो है उसने कुछ 5 मिलियन यूनिट यानी 50 लाख के आसपास डिवाइसेस बेचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेसिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे, 2-3 दिन पहले वीवो जो चाइना का वीवो का अकाउंट है वहाँ पे उनके जो CEO है, जनरल मैनेजर है लू विबिंग, उन्होंने कहा था कि हम Redmi Note 8 सीरीज पे काम कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट में है एंड बहुत जल्दी आने वाला है। एंड अभी Redmi ने इंडिया में कुछ ट्वीट किया है कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमराज वाला जो स्मार्टफोन ऐसा कुछ बताया था जो कि जल्दी आने वाला है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। पहले स्पेसिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों, बकवास ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है और क्या चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि अब पॉपअप का टाइम चल रहा है, आपको मालूम है K20 भी आ गया है, K20 Pro K20, एंड वो 20,000 से थोड़े ऊपर है, थोड़े महंगे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कम प्राइस पे ये लोग पॉपअप लेके आएंगे। क्योंकि Huawei Y9 देखो 15,000 के आसपास आया हुआ है पॉपअप के, तो ऐसे स्मार्टफोन आ सकते हैं। ये भी आपको पॉपअप सेल्फी के साथ ही आएगा, फ्रंट साइड में अगर आप देखोगे तो फुल व्यू डिस्प्ले रहेगा। एंड मुझे लगता है इस बार बेजल कम करना चाहिए क्योंकि Redmi Note 7 Pro भी अगर आप देखोगे तो उसमें बेजल्स बहुत मोटे हैं। लेकिन Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों साइड हो, या फिर 6 का मिल जाए तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हो। फुल HD प्लस का होगा, सुपर एमोलेड सॉरी एमोलेड और LCD जो LTPS पैनल होता है दोस्तों, इन दोनों में अगर आप कहोगे तो मैं अभी भी LTPS पैनल को ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे आता है ये Redmi Note सीरीज, उस प्राइस पे सारी चीजें भर के देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार भी कॉस्ट कटिंग के लिए शायद आपको IPS LCD का पैनल, जो LTPS वाला पैनल है दोस्तों, वही मिले। नॉच नहीं होगा, जैसे मैंने कहा फुल व्यू डिस्प्ले रहेगा, 1080x2340 का रिजोल्यूशन सब कुछ होगा, रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, तो अच्छा दिखेगा स्मार्टफोन पॉपअप सेल्फी वाला। मेरे हिसाब से अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन आपको मिलेगा इस बार। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ टाइम पहले ट्वीट आया था वीवो पे ही उनके चाइना में, अगर आप देखोगे तो वहां ने बोला था जो मैं बता रहा था कि अभी भी प्रोडक्शन में चल रहा है और ये अपने कंपटीटर्स में सबसे ज्यादा आगे होगा एंड बहुत सारी चीजों में आगे होगा। उसके बाद दिल्ली में मीडिया टेक का इवेंट चल रहा था जिसमें उन लोगों ने मीडिया टेक G90 और G90T का अनाउंस किया था उसको। एंड उसके बाद सडन ही मनोज कुमार जैसे स्टेज पर चढ़ गया, उन्होंने बोला कि हमारा एक स्मार्टफोन, गेमिंग स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के ऊपर आने वाला है। तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि Redmi Note 8 सीरीज में जो Note 8 Pro होगा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी प्रोसेसर पे आए। अब G90 की अगर बात करें, G90T की, तो अच्छा प्रोसेसर है, नया है मीडियाटेक की तरफ से, एंड ये आ सकता है। क्यों आ सकता है वो भी मैं लॉजिक दूंगा, क्योंकि पहले प्रोसेसर के बारे में बात करें तो कोटेक्स A76 के ऊपर बेस्ड है, देन उसके बाद माली G72 का GPU आता है इसमें, अच्छा है। स्कोर की बात करोगे तो 2,20,000-30,000 के आसपास जाता है, यानी अगर आप देखोगे तो स्नैपड्रैगन 730 से ऊपर है, अच्छा है प्रोसेसर, इसके ऊपर आ गया तो अच्छी चीज़ है। आपको एंड्रॉयड 10 पे मिलेगा, ज़्यादा चांसेस है कि एंड्रॉयड क्यू के साथ है और उसमें MIUI 11 है, या तो ऐसा हो सकता है 9 Pie पे 10 पे आके तुरंत आपको अपडेट दे दें, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 मिलेगा, लेकिन 10 मिलेगा, एंड्रॉयड 10 मिलेगा इसमें। देन अब आते हैं क्यों G90 आने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप स्नैपड्रैगन देखोगे तो उसके रेपुटेशन ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू MediaTek, क्योंकि MediaTek पहले उतना अच्छा काम नहीं करता था, बहुत छोटे स्मार्टफोन्स के लिए ही प्रोसेसर बनाता था। अब MediaTek ऊपर आने लगा है और MediaTek जो प्रोसेसर बनाता है वो ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, प्राइस में बात कर रहा हूँ मैं, एज कम्पेयर टू अगर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ले लोगे तो। अगर आप किसी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर डालते हो या फिर MediaTek का Helio P60 का प्रोसेसर डालते हो तो P60 आपको चीपर पड़ेगा एज कम्पेयर टू 632, जबकि दोनों ऑलमोस्ट उतने ही पुराने हैं। एंड आपको मालूम है कि P60 जो है वो स्नैपड्रैगन 636 और 660 के बीच में आता है, ऑलमोस्ट 660 के पास है।
उस कैपेबिलिटी का प्रोसेसर 632 से भी चीपर है दोस्तों। तो ऐसा होता है, अगर आप देखोगे तो मीडियाटेक के प्रोसेसर चीप होते हैं, तो G90 जो है वो चीपर होगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के 730 या कोई और प्रोसेसर लोगे, तो ज्यादा बेटर चांसेस है कि आपको इसमें G90T मिल जाए दोस्तों। अब आते हैं कैमरा सेगमेंट पे, तो अब इसमें ट्रिपल आएगा या फिर क्वाड आएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी क्वाड देंगे क्योंकि अभी ड्यूल है, तीन सेशन से डायरेक्ट ड्यूल ही चल रहा है, नोट 5 से लेकर नोट 6, नोट 7, और इतना जल्दी क्वाड दे दें, चांसेस थोड़ी कम है। आगे तो अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे बहुत रेयर चांसेस लग रहे हैं। ट्रिपल कैमरा आएगा, पहला 64 मेगापिक्सल का होगा, हाँ रियलमी लेके आ रहा है क्वाड, लेकिन Xiaomi मुझे लगता है ट्रिपल ही देगा 64 मेगापिक्सल का, जैसे वो आपको मालूम है GW1 का सेंसर है, सैमसंग का आइसोसेल GW1, हाँ अच्छा सेंसर है, सारे काम कर लेता है एंड इफेक्टिवली आपको 16 मेगापिक्सल का ही फोटोग्राफी देता है, वो चीज़ समझ लेना। दूसरा वाला आपको अल्ट्रा वाइड आएगा, 13 का है, 8 का है, जो भी हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, मेरे ज्यादा चांसेस है कि 13 वाला मिले। एंड तीसरा डेप्थ सेंसर होगा मेरे ख्याल से 5 मेगापिक्सल का, अपर्चर अच्छे ही होंगे, जो प्राइमरी सेंसर होगा उसका F1.8 या F1.7 होगा, आपको सारी चीज़ें बुके पैनोरामा HDR सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। उसके अलावा इसमें आपको वाइड एंगल वीडियो और सुपर स्लो मोशन भी मिल सकता है, चांसेस हैं जब तक आ रहा तब तक शायद दे दें, हाई डायनेमिक रेंज से लेके HDR सब कुछ कर सकते हो। फ्रंट साइड की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे आपको देखने वाली बात होगी, मेरे हिसाब से 32 मेगापिक्सल का दे दें तो अच्छी चीज़ है, 32 मेगापिक्सल वाला कैमरा आ जाए या फिर उसके अलावा कोई सोनी का सेंसर दे दें, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक चांसेस मुझे लग रहे हैं 32 मेगापिक्सल वाला आएगा, F2.0 का अपर्चर होगा, 1080 के आसपास यहाँ भी रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो, सब कुछ ठीक है, बुके पेन और सब कुछ मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो रियर साइड पे आपको 64 प्लस 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का मेरे हिसाब से मिलने वाला है। अगर क्वाड आ गया टेलीफोटो लेंस तो देखने वाली बात होगी, वो अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जहाँ तक मुझे लग रहा है ट्रिपल कैमरा ही आएगा एंड फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा दोस्तों। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करोगे तो मेरे हिसाब से 4000 mAh की बैटरी आने वाली है, इससे ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ये सीरीज है जो कि Xiaomi देता है 4000 mAh की। एंड इसके साथ आपको टाइप सी का पोर्ट कंफर्म मिलने वाला है, फास्ट चार्जर सपोर्ट करेगा, वो भी 18 वैट से ऊपर का, मेरे ख्याल से 27 वैट का उनका चार्जर आता है, वो शायद सपोर्ट करे, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि वो फास्ट चार्जर देंगे या नहीं। मुझे लगता है इस बार दे सकते हैं क्योंकि इस बार मिड रेंज में जितने भी स्मार्टफोन आए हैं सिर्फ रेडमी नोट 7 प्रो को छोड़ के सबने फास्ट चार्जर दिया है ऑलमोस्ट, तो रेडमी नोट 7 जो लीडर है वो अगर नहीं देगा थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से इस बार शायद आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वैट का या 27 वैट का चार्जर मिल जाए, मैं होप करता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्ले में कर चुके हैं वो लोग, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको शायद कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी दोस्तों। सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं है, रियर साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक पॉपअप से काम करेगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप सब मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू करने वाले हैं यहाँ पे। आपको वाइड वैन 11 का सपोर्ट मिल जाएगा। इस बार ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग IR ब्लास्टर देते हैं या नहीं, क्योंकि अब मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है कि Xiaomi जो है अपने स्मार्टफोन से IR ब्लास्टर निकालेगा, मुझे ऐसा हो रहा है। दे दिया तो अच्छी चीज़ है क्योंकि नोट सीरीज में देते हैं, अब इस बार का देखने वाली बात होगी कि देते हैं या नहीं दोस्तों। लास्ट में आते हैं स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग पे, स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो मुझे लगता है इसमें हाइब्रिड स्लॉट आएगा क्योंकि वो नहीं छोड़ने वाला Xiaomi, बहुत सारे मिड रेंज के स्मार्टफोन है जो स्लॉट में आपको हाइब्रिड देते हैं, तो Xiaomi वहाँ से थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर लेगा, तो आपको हाइब्रिड ही मिलेगा यहाँ पे जिसको 256 GB तक आप एक्सपांड कर सकते हो। वेरिएंट की बात करें तो इसमें वही तीन वेरिएंट आएंगे जैसे आते हैं, क्योंकि नोट सीरीज का सबसे बड़ा ये होता है कि उनका 4GB रैम वाला जो वेरिएंट होता है, तो यहाँ पे 4GB 64GB आपको मिलने वाला है, उसके बाद दूसरा 6GB 64GB होगा, तीसरा 6GB 128GB होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 4GB 64GB वाला वही 14,000 ही प्राइस होगा, 6GB 64GB वाला जो होगा वो 16,000 के आसपास आ सकता है, और 6GB 128GB वाला जो है दोस्तों वो 17,000 के आसपास जा सकता है। हाँ तो ये तो रही प्राइसिंग, अब आते हैं अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी की बात करें तो Redmi ने अभी ट्वीट किया था कि 64 मेगापिक्सल वाला जो उनका कैमरा वाला स्मार्टफोन आने वाला है वो फोर्थ क्वार्टर में आएगा, फोर्थ क्वार्टर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आपको दिवाली के आसपास मिल सकता है एंड वही टाइम होगा जब ये लॉन्च करे इसको। आपको क्या लगता है जरूर बताइए, लेकिन Xiaomi ने जब कहा कि फोर्थ क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर में दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकता है और उसी टाइम आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से है ये Note 8 Pro, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, क्या स्पेसिफिकेशन आपके हिसाब से हो सकती हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। Note 8 Pro के बारे में आप क्या सोचते हो लिख सकते हो, ज़रूर लिखिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं आंसर सबके देने की कोशिश करता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जैसे मैंने कहा, और सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट में कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो व्यक्ति में जिसके लिए करेक्शन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।